तो हेलो दोस्तों, कंपनी के कल्याण ज्वेलर्स के कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस कंपनी का Q1 के रिजल्ट्स में देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कंपनी का कंसोलिडेट डेटा कि कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। ये जो भी फिगर्स है वो रुपीज़ इन मिलियंस में, तो मैं आपको डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम की टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना जनरेट हुआ है। ये है कंपनी के Q1 का डेटा, ये है Q4 का डेटा, एंड ये है लास्ट ईयर Q1 का डेटा। यहाँ पे कंपेरिजन होगा ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे कंपेरिजन होगा Q1Q। लास्ट ईयर कंपनी के Q1 के रिजल्ट में देखने को मिला कि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो दोस्तों यहाँ पे था 4,387 करोड़ तक का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वो इस बार बढ़ के हो चुका है 5,557 करोड़ तक का रेवेन्यू हो चुका है। तो ईयरली वाइज कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं तो ये रेवेन्यू जो है वो 1,150 करोड़ का हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। 1,180 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली वाइज इंक्रीज हुआ है, जो कि अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 25 से 27% तक कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वार्टरली वाइज, तो 4,563 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के हो चुका है 5,557 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो तकरीबन यहाँ पे 25% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे आंकड़े जो है 22-23% ग्रोथ हमें नजर आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर है 25-27% के आसपास। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो लास्ट ईयर इसका एक्सपेंस था 4,198 करोड़, लास्ट क्वार्टर एक्सपेंस था 4,380 करोड़, एंड इस बार एक्सपेंस रहा है 5,320 करोड़ का। एक्सपेंस थोड़े से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, बट रेवेन्यू भी इस बार इंक्रीज हुआ है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है, तो वो देख लेते हैं। लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट बचा था वो बचा था 143 करोड़ का। 143 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट था, वो बढ़ के अभी के टाइम हो चुका है 177 करोड़ तक का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट जो कंपनी के प्रॉफिट में 30 करोड़ के आसपास तक की हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। 30 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया है। परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूँ तो वही 20 से 22% तक की ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट ईयरली वाइज हुई है। वही अगर मैं क्वार्टरली वाइज बात करूँ तो 137 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 177 करोड़, 40 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जम किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 30% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नजर आई है। ईपीएस की बात की जाए, ₹1.40 का ईपीएस बढ़ के हो चुका है ₹1.73, ₹1.34 का ईपीएस बढ़ के हो चुका है ₹1.73। आंकड़े नॉर्मली हमें अच्छे देखने को मिले हैं कल्याण ज्वेलर्स के। फाइनेंशियली कंपनी अच्छा है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस स्टॉक में दिख सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि अभी के टाइम स्टॉक टॉप पे है, तो कोई बड़ी पोजिशन तो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। बट लॉन्ग टर्म अच्छा है, मीडियम टर्म में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, बट रिजल्ट का इंपैक्ट कल के लिए एक बेटर देखने को मिल